अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नई नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेंगी। सलमान खान के खिलाफ सबसे मजबूत मामला है, क्योंकि इसमें जो गवाह है वो कई गांव वाले हैं, ग्रामीण है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, 20 साल बीत चुके हैं और पिछले केसेस का जो हमारे पास अनुभव है उसको देखते हुए कहना मुश्किल है कि सजा होगी ही। सलमान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो सलमान खान है, बड़ी हस्ती है, बड़े फिल्मी सितारे हैं, तो दिक्कतें भी उनकी उसी लिहाज से बड़ी है। मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला कानूनी विवेक से आएगा, लेकिन मान लीजिए सजा हो भी गई 2 साल की या 3 साल की, तो जमानत मिल जाएगी। जमानत नहीं भी मिली तो हाईकोर्ट से अपील जाएगी। पहले दो मामलों में ट्रायल कोर्ट ने दोषी साबित किया, सजा हुई, फिर हाईकोर्ट से अपील हो गई। मैं बता रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया में बहुत लंबी लड़ाई है। अभी ये पहली अदालत है, फिर हाईकोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। 20 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, हो सकता है कि 20 साल मेरे चवन जी क्या लग रहा है, बिश्नोई समाज ने इसको लेके एक लंबी लड़ाई लड़ी? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिश्नोई समाज ने बिल्कुल लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कानून जो है वो हर एक के लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सलमान खान है एक, वो सेलिब्रिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काले हिरण को मार दे और उनको सजा ना मिले, ऐसा नहीं है। वो जो भी कोर्ट फैसला करेगी, मुझे कोर्ट पे पूरा विश्वास है। तो तक कहते रहेंगे क्योंकि मैं फिल्म स्टार हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। नहीं नहीं नहीं, ये यही बात अभी एडवोकेट साहब जो कह रहे थे कि उनकी जो गलती है सलमान खान की सबसे बड़ी, उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत सलमान खान।